हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है ग्लोरियस। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इसका IMDb रेटिंग तो कम है, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। आज की हमारी इस कहानी में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो कि अपने डिप्रेशन के कारण रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं जान पाता है। क्या यही फर्क उसके जान के लिए खतरा बनेगा या फिर वो किसी भयानक चीज़ से मुलाकात करेगा, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है वेस नाम के एक आदमी से जो कि अंधेरे रूम में कैद था, लेकिन ये बस वेस का एक सपना था और असल में वेस कार चलाते हुए सो गया था। वेस को खुद पता नहीं था कि वो कहाँ पर जा रहा है। वेस फिर अपनी कार को एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और वहाँ की वेंडिंग मशीन में पैसे डालकर वो खाना निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से खाना नहीं निकलता है, जिस वजह से वेस को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर शेरन नाम की एक लड़की बैठी होती है और वो वेस को देखकर उसकी मदद करने के लिए वेंडिंग मशीन से खाना निकाल कर देती है और वो वहाँ से चली आती है। फिर उसके बाद में वेस अपनी कार के अंदर आता है और हम देख पाते हैं कि वेस की कार में लड़कियों का सामान भरा हुआ था। कार में रखे एक टेडी बेयर को देखकर वेस को किसी लड़की की याद आती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कार से बाहर निकलने पर वेस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल करता है और उसे गाली देने लगता है, लेकिन उसी टाइम उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है और गुस्से में वेस अपने फ़ोन को दूर फेंक देता है। रात को फिर वेस बहुत ड्रिंक करता है और कार में रखे हुए सभी कपड़ों और कुछ फोटोज़ को जला देता है और कुछ देर के बाद में वेस नशे में बेहोश हो जाता है। तभी हम एक पर्पल कलर के एक लाइट को वेस के आसपास देखते हैं और वेस के पास कोई लड़की एक रेड बॉक्स हाथ में लेकर खड़ी हुई थी। अगले सुबह वेस उठकर पास के एक बाथरूम में जाता है जहाँ पर वो उल्टा करता है क्योंकि कल रात को उसने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अचानक वेस को पास के एक बाथरूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वेस से उसका हालचाल पूछ रहा था और पास ही की वॉल में एक अजीब से क्रिएचर की आर्ट ड्राइंग की गई थी। वो आदमी वेस से बात करना चाहता था, लेकिन वेस को उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो आदमी खुद को लोनली ओल्ड गॉड बताता है और वो अपना नाम उससे गॉड एनोल्डोवा बताता है, लेकिन वेस गॉड एनोल्डोवा पर बिलीव नहीं करता कि वो सच में गॉड हो सकता है। बाथरूम के दीवार में एक होल था जिससे कि वेस उस गॉड एनोल्डोवा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड वेस को उसे देखने से मना कर देता है। वेस उस गॉड की बात नहीं मानता है और वॉल के ऊपर चढ़कर गॉड एनोल्डोवा को देखने की कोशिश करता है, जिससे कि गॉड गुस्सा होकर बहुत तेज चिल्लाता है और वेस वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेस फिर अपने एक इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ पर वो कार के अंदर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्रेंडा गॉड एनोल्डोवा में बदल जाती है। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आकर वेस होश में आता है और बाथरूम का मेन डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता है। वेस गॉड एनोल्डोवा को डोर खोलने को कहता है और गॉड एनोल्डोवा ये चाहता था कि वेस उसके साथ में बात करे और वो उसकी बातें सुने, लेकिन वेस को उसकी कोई भी बात नहीं सुनना थी। वेस वेंटिलेशन से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड एनोल्डोवा पर्पल कलर की लाइट से उस बाथरूम को चारों तरफ से घेर रखा था, जिससे बाहर की दुनिया को वो बाथरूम नजर नहीं आती है। अब तक वेस को पता चल चुका था कि गॉड एनोल्डोवा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। गॉड एनोल्डोवा जिस बाथरूम में था वहाँ पर वेस को रेड कलर के कुछ टेंटिकल्स भी नजर आते हैं, जिससे कि वेस बहुत ज्यादा डर जाता है। वेस वेंटिलेशन के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर वेस बाथरूम में आ जाता है। गॉड एनोल्डोवा वेस को बताते हैं कि जब तक वेस यूनिवर्स की जरूरत को पूरा नहीं करेगा तब तक वेस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन वेस के मुताबिक इस यूनिवर्स ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दी थी। तब गॉड एनोल्डोवा वेस को उसकी लाइफ की कुछ यादें याद दिलाते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी अपनी गलती के कारण ही उसकी लाइफ बर्बाद हुई है। गॉड एनोल्डोवा की बातें सुनकर वेस के कानों से खून निकल रहा था और यहाँ पर गॉड अपने बारे में बताता है कि वो एथर प्लेनेट में रहा करते हैं। उसके बाकी भाई बहन उसको बहुत परेशान करते थे, इसलिए वो बचपन से ही अकेला रहा। गॉड एनोल्डोवा के फादर आर्थर ये चाहते थे कि गॉड एनोल्डोवा ह्यूमन के ऊपर फीड करके अपनी ताकत को बढ़ाए, लेकिन गॉड एनोल्डोवा ह्यूमन को मानना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एथर प्लेनेट से अर्थ पर भाग गया। लेकिन अपने फादर के सामने गॉड एनोल्डोवा की ताकत कुछ भी नहीं थी और आर्थर गॉड एनोल्डोवा से गुस्सा था, इसीलिए गॉड एनोल्डोवा की ताकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इसीलिए अपनी ताकत को वापस पाने के लिए गॉड एनोल्डोवा को वेस की मदद चाहिए थी। वेस अगर खुद अपनी मर्जी से अपना लिवर गॉड एनोल्डोवा को दे दे तो गॉड एनोल्डोवा की ताकत बढ़ जाएगी। तभी उस इलाके में प्रॉपर्टी डीलर गैरी आता है और गॉड एनोल्डोवा की ताकत कम हो रही थी, तो इसीलिए गैरी को वेस की आवाज़ सुनाई देती है और वो वेस की मदद करने के लिए बाथरूम के अंदर आता है।
लेकिन डोर के खुलने पर भी वेज बाहर नहीं जा पाता है और डोर फिर से बंद हो जाता है। गैरी गॉड एनोडोवा को कोई आदमी समझकर डोर बंद करने के कारण गाली देने लगते हैं। गॉड एनोडोवा गैरी को अपने बाथरूम के अंदर खींचकर उसके टुकड़ा टुकड़ा करके उसे खा जाते हैं। डर के मारे वेज बाथरूम के अंदर छुपा था और गैरी का खून हर जगह बिखरा पड़ा था, जिससे वेज बहुत ज्यादा डर जाता है। वो गैरी के खून में लथपथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर वेज को वही टाइम याद आता है जब वो ब्रेंडा से पहली बार मिला था। वेज अपने बाथरूम से बाहर आकर देखता है गैरी के खून से पूरा बाथरूम भरा हुआ है और गॉड एनोडोवा वेज को कहते हैं कि अगर वेज अपना लीवर गॉड एनोडोवा को दे देगा तब वेज यहाँ से आजाद हो जाएगा। लेकिन वेज किसी के लिए भी खुद को चोट पहुँचाना नहीं चाहता था। वेज गॉड एनोडोवा को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि उसके फादर उसकी माँ को बहुत ही अब्यूज किया करते थे और वेज के मुताबिक इस दुनिया में सभी लोग बहुत बुरे हैं। गॉड एनोडोवा की पावर कम हो रही थी तो इसीलिए गॉड एनोडोवा वेज से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना लीवर दे दे और गुस्से में आकर वेज बाथरूम के अंदर जाकर गॉड एनोडोवा की आंखों में देखता है, जिसके बाद वेज एक इमेजिनेशन में खो जाता है जहाँ पर वो एक अंधेरे रूम में एक टेडी बेयर को देखता है। वो रियलिटी में वापस आकर वेज अपना आपा खोने लगता है और गॉड एनोडोवा वेज से बात करके उसको संभालता है। उसी टाइम अर्थ में गॉड एनोडोवा के फादर आर्थर एनोडोवा को लेने के लिए आ जाते हैं और वेज चिल्ला चिल्ला कर उसके पिता को ये बताता है कि एनोडोवा यहाँ पर छुपा हुआ है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और अपने अंदर अर्थ की चीज़ों को खींचने लगता है। यहाँ पर हम आर्थर को भी देख पाते हैं जो कि किसी रेड कलर के मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता था। गॉड एनोडोवा वेज से कहता है कि अगर वेज ने उसकी मदद नहीं की तो वेज की मेमोरी से ब्रेंडा की सभी यादें मिट जाएंगी। वेज किसी भी कीमत पर ब्रेंडा को नहीं भूलना चाहता था तो इसीलिए वो गॉड एनोडोवा को लीवर देने के लिए मान जाता है। लेकिन उससे पहले वेज गॉड एनोडोवा से एक बार ब्रेंडा को देखने का रिक्वेस्ट करता है। वेज की रिक्वेस्ट मानकर गॉड एनोडोवा ब्रेंडा का एक इमेजिनेशन वेज को दिखाते हैं और तब वेज एक ग्लास से अपने पेट पर वार करता है और उसे काट कर गॉड एनोडोवा वेज का लीवर ले लेता है। फिर पृथ्वी को छोड़कर जाने से पहले गॉड एनोडोवा वेज के सामने अपना असली चेहरा दिखाता है और वेज वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने पास्ट में वेज की बहुत सारी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप थे और इसीलिए ब्रेंडा वेज को छोड़कर चली गई। लेकिन वेज ब्रेंडा से बहुत प्यार करता था। होश में आकर वेज किसी तरह बाथरूम से बाहर निकलता है और अपनी कार के पास उसी टेडी बेयर के पास जाता है और ये टेडी बेयर ब्रेंडा ने ही उसे गिफ्ट किया था। फिर कुछ देर के बाद में वेज की मौत हो जाती है और वेज की मौत के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि एथर प्लेनेट से एक लोनली गॉड एनोडोवा अर्थ में आता है, क्योंकि गॉड एनोडोवा को अपने फादर के हिसाब से नहीं चलना था। उनके प्लेनेट में किसी स्पेशल ह्यूमन के बॉडी के पार्ट पर फिट करके ही अपनी ताकत को बढ़ाया जाता था। गॉड एनोडोवा किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने फादर आर्थर से ताकतवर बनने के लिए गॉड एनोडोवा को ऐसा करना पड़ा था। और यहाँ पर वो स्पेशल इंसान वेज ही था, क्योंकि वेज अपनी लाइफ से परेशान था। उसको अपनी लाइफ को लेकर कोई भी चिंता नहीं थी और उसकी लाइफ में उसका कोई भी मकसद नहीं था। वेज अपनी गर्लफ्रेंड के दुख में ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गया था और इसीलिए सिर्फ ब्रेंडा की यादों के लिए वेज ने अपना लीवर गॉड एनोडोवा को दे दिया। दोस्तों, वैसे तो ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, लेकिन आपको ये मूवी देखकर मजा आ जाएगा। कहीं ना कहीं हम इस मूवी से ये भी सीख सकते हैं कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमें हमारी लाखों जन्म के बाद में मिली इस इंसानी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।